स्टार्ट विथ माई जर्नी, मैंने कैसे शुरू किया था। आप लोग तो ये वेबिनार शायद इसीलिए ज्वाइन कर रहे हैं कि यू ऑल्सो वॉन्ट टू ज्वाइन फूड इंडस्ट्री, और उसका उसके पीछे के अपने अपने सबके रीजन्स होते हैं कि हम क्यों इस फील्ड में काम करना चाहते हैं और क्या किस लिए करना चाहते हैं। इन केस ऑफ मी, मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ और जस्ट फूड का मुझे बहुत ज़्यादा कुकिंग का शौक था, वॉन्टेड टू कुक ऑल द टाइम। और फिर उस शौक के कारण ही मुझे हमेशा लगा कि जो डिशेज मैं घर पे बनाती हूँ मैं बाहर लोगों को खिला सकूँ, और मैं इस प्रकार इस फील्ड में आई। और अभी फ्रेंचाइज करना भी इसीलिए शुरू किया है, जब मैं शुरू कर रही थी आई वॉज टोटली नॉट अवेयर कि इसको शुरू कैसे करना है, जस्ट वॉन्टेड टू गो हेड विद इट। तो मैंने शुरू में जो जो तकलीफें उठाई है पहले एक डेढ़ साल में, जो एस्टैब्लिश ब्रांड एस्टैब्लिश करने के लिए वो सारी तकलीफें किसी भी इंटरेस्टेड इंसान को ना उठानी पड़े, इसलिए हम लोग अपना गाइडेंस लोगों को प्रोवाइड करते हैं। और आप बहुत छोटे से छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू करते हैं कर सकते हैं हमारे साथ, लाइक 4 to 5 lakh से अगर आप शुरू करना चाहते हैं, एक नए इंडस्ट्री में कदम रखना चाहते हैं, तो देशी कट्टा ऐसे लोगों के लिए भी अवेलेबल है। और अगर आप 20-22 lakh इन्वेस्ट करके आपका बड़ा आउटलेट खोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी देशी कट्टा अवेलेबल है आपके लिए। देशी कट्टा मैंने शुरू किया था 5 साल पहले। इट्स ऑल अबाउट कि मैं घर का खाना, मेरे रीजन का खाना लोगों तक पहुंचाना चाहती थी। मेरे बच्चे बाहर जाकर मोमोज खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, पर अगर मैं मॉल में चली जाती हूँ तो मेरे घर में जो बनता है वो मुझे मॉल में मिलता ही नहीं। तो मैं चाहती थी कि जो घर की चीज़ें हैं वो यूनिवर्सली सबको अवेलेबल हो जाए, हर जगह अवेलेबल हो जाए, क्योंकि इंडियन फूड वैसे भी बेसिकली बहुत ज़्यादा अच्छा है। इनकेस ऑफ इम्यूनिटी हो जाए, इनकेस ऑफ प्रोटीन विटामिन जो भी है, मतलब आप हेल्दी रहना चाहते हो तो बेस्ट फूड सजेस्टेड विल बी द इंडियन फूड। आप अगर अभी कोरोना के लिए भी आप देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो कई बार भी, तो यही रिकमेंडेड है कि आप हेल्दी फूड खाइए, इम्यूनिटी बनाए रखना क्या सबसे मेजर रीज़न है आपका फूड। आप खाना क्या खाते हैं तो उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है। तो इसी कारण मैंने अपने रीजन का होमली फूड मेरे आउटलेट पर अनाउंस किया और उसका बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला। अभी एक क्लास ऐसा है जो हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस है वाइल सिलेक्टिंग द आउटलेट, या तो फिर ये भी आप कह सकते हो कि जो डेली खाना बाहर खाना पड़ता है जिन लोगों को, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है कि हम लोग होमली फूड सर्व करें जो कि कलरलेस हो, केमिकल फ्री हो, जो रोज़ खाने से भी आपको तकलीफ ना हो। ये बेसिक क्राइटेरिया है देशी कट्टा का फूड इंडस्ट्री में जो हम काम कर रहे हैं। स्टार्ट हमने इसी बेस पर किया कि हम चाहते हैं कि जो घर में बना है उसी तरह का खाना लोग बाहर जाकर भी खाए, उसी तरह का उनका जो सर्व हम करते हैं खाना उसी तरह से कुक करते हैं, स्लो कुकिंग में हम लोग खाना बनाते हैं ताकि लोगों को एक होमली टच दे सके। फैमिली एज अ फैमिली हम लोग कस्टमर को या तो हमारे गेस्ट को ट्रीट करना चाहते हैं। इस ये हम लोगों की अपनी पहले से ये रही है कि बाहर से जो गेस्ट हमारे यहाँ आएगा उसे ये लगना चाहिए कि अरे ये तो एकदम मेरे घर जैसा है। तो दिस इज और स्पेशलिटी आप कह सकते हैं, या तो हम लोगों का एम ही है ये कि इस प्रकार का खाना हम सर्व करें। इसके लिए मैंने कोई एक प्रेजेंटेशन भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि हम लोग किस तरह का खाना सर्व करते हैं, क्या क्या डिशेज उसमें सर्व होते हैं। डिशेज में हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि खानदेशी डिशेज, वराड़ी डिशेज, पंजाबी डिशेज सर्व हो, पर आजकल अभी ब्रांड फ्लेक्सिबल हो रहा है नए डिशेज के लिए। जैसे कि मुंबई में हम लोगों ने जो आउटलेट दिया उन लोगों का कहना था कि मैडम चाइनीज हमें रखना पड़ेगा क्योंकि इंडियन खाने के साथ लोग सूप को प्रीफर करते हैं पीना, तो अगर उनको सूप देना है तो आप चाइनीज नहीं दे सकते क्या। तो वी आर फ्लेक्सिबल इनफ टू डिजाइन योर मेनू, ऐसा नहीं है कि यही डिशेज आपको रखने हैं। आप कभी भी हमसे बात कर सकते हैं कि मैडम क्या मेरे इस मेनू के साथ हमें कुछ करके दे सकते हैं आप लोग, तो हम कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं आपके लिए। वी आर फ्लेक्सिबल इनफ एंड ओपन फॉर योर सजेशंस, जो भी आपके आप जहाँ भी आउटलेट खोलना चाहते हैं उस एरिया का कोई डिमांड होगा पर्टिकुलर कि हमारे यहाँ ये वाली डिश बहुत ज़्यादा चलती है, तो भी हम आपको एड ऑन करके देंगे। ये हमने अभी इस 2 महीने पहले ही हम लोगों ने शुरू किया है। पहले हम लोग हमारे सिर्फ रीजनल फूड में डील कर रहे थे, पर अगर आप चाहते हो कि कुछ ऐड ऑन करना है तो वो भी हम लोग ऐड ऑन करके देंगे। इनोवेशंस के लिए हम लोगों ने अभी पूरन पूरी जो महाराष्ट्रियन खाना है वो भी ऐड किया है,
मेरे अभी पहले आउटलेट पर, मतलब जो मेरा फर्स्ट आउटलेट है वहां पर हम लोगों ने पूरन पूरी के साथ पानी पूरी जैसी चीजें भी ऐड की है। साथ साथ हम लोग सिर्फ स्नैक्स का भी, आप अगर आप चाहते हो कि सिर्फ स्नैक्स के लिए आप फ्रेंचाइजी लो, होल रेस्टोरेंट का आपको लेना नहीं है, तो उसके लिए भी आप जा सकते हो, जिससे कि आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो बहुत सारे फ्लेक्सिबल मॉडल्स हम लोगों ने अनाउंस किए हैं पिछले दो साल दो महीनों में, ताकि कोविड के बाद लोगों का ये बढ़ रहा है कि लोग चाहते हैं कि एक पैरेलल बिजनेस के लिए वो कदम उठाए, नए बिजनेस के लिए जाए, फूड इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं कई सारे लोग, तो इसीलिए ये सारे फ्लेक्सिबल ऑप्शंस हम लोगों ने दिए हैं। वैसे देखा जाए तो हमारा बेसिक मेन्यू जो है वो है इंडियन में आपको मिसल पाव जैसी चीजें भी हम लोग दे रहे हैं, जो कि आज स्नैक्स आप लोग सर्व कर सकते हो, जिससे क्या हो सकता है कि आपका आउटलेट सुबह से लेकर शाम तक बिजी होगा और आपको फुटफॉल ज्यादा मिलेगी, और फुटफॉल ज्यादा मिलेगी तो आपकी रिकवरी अच्छी होगी। मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ, और मुझे एजुकेशन के बाद मेरे अपने खाने से बहुत ज्यादा लगाव था, तो मैंने सब कुछ शुरू किया है। आप सब और चाहती हूँ कि आप सब तक भी पहुंचे और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं हमारे साथ। अगर आप जुड़ पाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो खानदेशी डिशेज है, वराड़ी डिशेज वो खा पाएंगे। साथ साथ इंडियन पंजाबी भी हम लोग बहुत अच्छा सर्व करते हैं, जिसका बहुत अच्छा रिव्यू है, आप ऑनलाइन रिव्यूज वगैरह भी चेक कर सकते हैं। आपको खानदेशी और वराड़ी डिशेज के बारे में कितना पता है, मुझे नहीं पता। खानदेशी डिशेज इज समवट वरण बट्टी, भरी, पिठलं, भाकरी। भाकरी सम मैंने जितना भी एक्सपीरियंस किया है, बेस्ट ब्रेड है फॉर डाइजेशन। आप उसमें हम लोग तीन से चार प्रकार की भाकरी सर्व करते हैं, बाजरी, ज्वारी या रागी की भी भाकरी हम लोग सर्व करते हैं, या राइस का भाकरी भी हम लोग सर्व करते हैं, और चपाती प्योर व्हीट का देते हैं। ये सारे मतलब बेसिकली खाने में सबसे मेन चीज़ है ब्रेड, और ब्रेड हम लोग अपने खुद के आटे से बने हुए सर्व करते हैं, और इंडियन तरीके से सारे ब्रेड बनते हैं, तो वो जाहिर है कि आपके पेट के लिए या तो कि आपके क्लाइंट के पेट के लिए भी अच्छे हैं, वो डेली भी वो सारी चीज़ें खा सकते हैं। विदर्भ में आप लोगों ने शायद सुना होगा कि काला मसाला, मतलब इट्स लाइक भुना हुआ होता है पूरा, और स्ट्रॉन्ग स्पाइसी खाना होता है, और जो स्ट्रॉन्ग स्पाइसी खाना चाहते हैं उनके लिए ये विदर्भ वाला वराड़ी टेस्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो सकता है। इनफैक्ट बहुत कम जगह पर, महाराष्ट्र में भी बहुत कम जगह पर मिलता है, बाकी आउट ऑफ महाराष्ट्र तो शायद ही कहीं मिलता हो ये सारा चीज़ें। वराड़ी चिकन मेरे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है, भरता जो है बैंगन का वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है, साथ साथ मतलब होमली डिशेज भी है, और उनके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ज़्यादा हम लोग अच्छे क्वालिटी के रखते हैं, ताकि प्रिपरेशन में जो इंग्रेडिएंट्स अगर अच्छे होंगे तो ये क्वालिटी आप अच्छे पाओगे, अच्छा बर्गर में। बाकी हम खाना सर्व करते हैं मिट्टी के बर्तन में, बिकॉज वो एक स्पेशल टच देता है हमारे ब्रांड को। उसका कारण है कि मिट्टी में खाना सर्व करना समवट न्यूट्रिशन के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है, उसमें फॉस्फोरस वगैरह जैसी कुछ चीज़ें होती है जिसके कारण वो हेल्दी माना गया है। मतलब कुक करने के बाद फूड अगर आप मिट्टी के बर्तन में डालोगे तो इट विल ऐड इज टेस्ट एज वेल एज न्यूट्रिशन वैल्यू इन दैट। तो हम लोग मिट्टी के बर्तन में खाना सर्व करते हैं, और उसके साथ साथ बैकग्राउंड में हम लोग मतलब नीचे प्लेट हमारी पत्तल की होती है, जो कि काफ़ी अच्छा है पूरा ही। आप अगर देखोगे पूरा कितना डेकोरेटिव है, तो वो आपको सर्विंग के एज सर्विंग भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप एक बार वेबसाइट पक्का विजिट कीजिए, जो कि मैंने यहाँ एक पिक दिखाई हुई है, इस तरह का सर्विंग होता है। ये जो डिश है ये वरण बट्टी है, ये स्पेशलिटी है जलगांव साइड के फूड का। जैसे कि लिट्टी चोखा वगैरह जैसा बिहार में मिलता है या तो यूपी में मिलता है, उसी टाइप का डिश है, पर यह इसका खानदेशी वर्जन कह सकते हैं आप। बाउल भी हम लोग मिट्टी के यूज करते हैं, साथ साथ ये आप छाछ वाला ग्लास भी देख सकते हैं, वो भी मिट्टी का है, बोतल भी मिट्टी के होते हैं, तो वो काफी ज्यादा अर्दी वाला फील देता है कस्टमर को, साथ साथ उनको इंडियन टच भी मिलता है। मैंने आयरन पॉट का बेनिफिट आपको पहले ही बताया, कैल्शियम और फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम जैसी चीजें उसमें ऐड हो जाती है, इसी के कारण अर्दन पॉट में सर्व करना या तो खाना खाना
बेसिकली बहुत पुरानी कस्टम है जो हम लोगों ने शुरू किया है, जो हम लोग चाहते हैं कि बरकरार रहे। बाकी हम लोगों ने फर्नीचर या तो आप सेटअप जो कह सकते हो, दैट इज ऑल्सो वेरी मच थोड़ा गांव वाला स्टाइल और थोड़ा घरेलू स्टाइल का ही कल्चर रखा है हमने फर्नीचर में। आप फोटो भी देख सकते हैं, वेबसाइट में आप चेक कर सकते हैं। इट्स लाइक एज वेल एज होम, आपके घर में जिस तरह के छोटे से टेबल होते हैं उस तरह का कल्चर हम लोग मेंटेन करके देते हैं। इट्स सिमिलर टू द नेम देशी कट्टा, इस तरह का खाना भी वैसा है हम लोगों का, सर्विंग स्टाइल भी हम लोगों ने वैसा दे के रखा है। साथ साथ हम लोग फर्नीचर वगैरह जो आपके सेटअप है वो भी उसी तरीके का है। इंग्रेडिएंट्स कंसिस्टेंसी एंड यूनिकनेस के लिए देशी कट्टा आप लोगों का, देखिए इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको पहले क्या कहा कि अगर खाना अच्छा बनाना है तो सारे इंग्रेडिएंट्स प्योर होने चाहिए। तो हम हमारे सारे स्पाइसेस खुद परचेस करते हैं, खुद उन्हें ग्राइंड करते हैं, इवन हमारे फ्लोर्स भी हम खुद ग्राइंड करते हैं, कोई रेडीमेड फ्लोर हम लोग खरीदते नहीं है। एज वेल एज यूनिकनेस के लिए भी स्पेसिफिक स्पाइसेस विच आर एक्चुअली मेड इन हाउस, हम लोग अपने यहाँ पर स्पाइसेस बनाते हैं जिसके कारण उसका टेस्ट एक यूनिक टेस्ट बरकरार रहे। कोई ब्रांड वगैरह किसी चीज़ का मसाले हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं किचन में, हमारे सारे स्पाइसेस खुद के बने हुए हैं। ये सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कहा था कि देशी कट्टा हर अपने क्लाइंट की तरफ आज फैमिली देखना चाहता है, या तो देशी कट्टा की तरफ लोगों का नजरिया ये होना चाहिए कि इट्स लाइक माय होमली फूड, माय किचन, मैं जो ऑर्डर करता हूँ मेरे घर जैसा होता है, विदाउट सैचुरेटेड फैट्स, विदाउट प्रिजर्वेटिव, विदाउट केमिकल्स, विदाउट कलर्स, इस तरह का खाना हम लोग देना चाहते हैं। और ये बेसिक सोल रीजन है कि हमारे किसी भी कस्टमर को हमारे यहाँ का खाना खाकर इट फील्स लाइक कि दे आर एट होम। और अगर आप मार्केट की बात करते हैं, मार्केट रिसर्च की बात करते हैं, तो आपको भी पता है कि बहुत सारे टी ब्रांड्स हैं जिनकी कॉस्टिंग जाती है 12 से 15 लाख तक, कैफे ब्रांड्स की जाती है कॉस्टिंग, पिज्ज़ा बर्गर की भी कॉस्टिंग लोग 15 लाख से नीचे नहीं लेते हैं। जबकि देखा जाए तो हमारे सबसे छोटा वाला अगर आप लेते हैं क्लाउड किचन, उसमें भी 45 से भी ज़्यादा मेनू हम लोग आपको सर्व करने के लिए दे रहे हैं, इतने सारे वेरिएंट आपको दे रहे हैं कि जिसके कारण आपकी रिकवरी की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसका भी कॉस्ट हम लोगों ने स्टार्ट, अगर आप प्योर वेज के लिए जाओगे तो 5.2 लाख से वो शुरू हो जाएगा, आप अगर आप वेज नॉन वेज के लिए जाते हो तो 5.7 के आसपास जाएगा। तो ये बहुत कम कॉस्टिंग में हम लोग आपको बहुत ज़्यादा कुछ देना चाहते हैं। और सारे छोटा ही मॉडल हो या बड़ा हो, हम लोग ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सभी चीज़ें आपको देंगे, जिसके कारण अगर कोई चाहता है, मतलब आपके अगर लोकेशन ऐसे है कि जहाँ ब्रेकफास्ट वाला टाइम ज़्यादा अच्छा चलेगा, तो वो भी आप उसको, आप उस टाइम पे अगर आप वो आउटलेट ओपन रखोगे तो आपके पास ब्रेकफास्ट की मेन्यू भी अवेलेबल है, आपके पास लंच की मेन्यू अवेलेबल है, आपके पास डिनर की मेन्यू अवेलेबल है। क्योंकि क्या है कि ना सिर्फ खानदेशी वराड़ी, आप पंजाबी भी सर्व कर रहे हो, और साथ साथ हम लोग आपको कॉम्प्लीमेंट्री आजकल चाइनीज भी दे रहे हैं। कारण यह है कि लोगों का कहना होता है कि चाइनीज विदाउट सूप, मतलब टू स्टार्ट द फूड लोगों को सूप बहुत ज्यादा कंपलसरी लगता है, इसलिए हम लोगों ने चाइनीज भी अभी ऐड किया है। अगर आप हमारे साथ जाते हैं तो हम लोग आपको साइट फाइंडिंग के साथ साथ फाइनलाइजेशन असिस्टेंट में भी मदद करेंगे, मतलब कौन से साइट पर आपका आउटलेट होना चाहिए, उसका किस तरह का, मतलब राइट फ्रॉम मेनू सिलेक्शन में भी आप हमसे मदद ले सकते हैं कि अगर लोकेशन के हिसाब से कुछ चीज़ें हम लोग आपको सजेस्ट करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हम पानी पूरी भी उसमें ऐड करने जा रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा है कि लोकेशन अगर आपका कॉलेज के पास है तो आप कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें ऐड करने से सेल बहुत ज़्यादा ग्रो हो सकता है। तो वी आर ऑलवेज ओपन फॉर इट, इनोवेटिव आइडियाज हम आपके लिए ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि मेरे 5 आइटम बेचो और फुल फ्लेज आपका आउटलेट चल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि एक हाथ चीज़ और ऐड करने से और ज़्यादा कस्टमर आएंगे, या तो एक पर्टिकुलर चीज़ को वहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड है, देन वी आर फ्लेक्सिबल इनफ टू ऐड दैट ऑल्सो। उसके बाद आर्किटेक्चर सपोर्ट भी हमारा पूरा रहेगा आपको, जैसे कि आपकी
इंटीरियर को लेके सारी चीजें हम लोग आपको सजेस्ट करेंगे, या तो आप हमारा पूरा सेटअप है तो हम लोग पूरा उसका डिजाइनिंग वगैरह सब कुछ हम लोग करके देंगे। इन डेप्थ ट्रेनिंग के बारे में बात करें तो ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट जो शेप आपके यहाँ जाएंगे वो पूरा शेप या तो पूरा स्टाफ जो आपके यहाँ जाएगा वो हमारे यहाँ ट्रेन होगा। तभी एक आपके ओपनिंग के 3 हफ्ते पहले एटलीस्ट सबको रिक्रूट किया जाता है और उसका ट्रेनिंग हम तो सजेस्ट करते हैं कि जितना ज़्यादा पीरियड आप ट्रेनिंग के लिए दें, 1.5 महीना दे दें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। राइट फ्रॉम कुकिंग हम अपसेलिंग तक सारा ही ट्रेनिंग स्टाफ को देते हैं ताकि आपके आउटलेट का सेल बढ़ सके, आपके आउटलेट का फुटफॉल बढ़ सके। ओपनिंग टीम भी हमारी तरफ से आपको जाती है, कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ से 2 एक्स्ट्रा लोग भी जाते हैं जो कि आपको डायरेक्ट हैंडओवर मतलब आउटलेट हैंडओवर के टाइम हमारे यहाँ से 2 लोग वहाँ जाकर आपको पूरा सिस्टम समझा कर ट्रेनिंग देकर फिर हमारे यहाँ से कोई 2 लोग जो एक्सपीरियंस होंगे आपको गाइड करने के लिए आएंगे। ऑडिट और सर्वे हम लोग करते हैं क्योंकि आपके यहाँ पर जो खाना हम लोग सेल कर रहे हैं वो हमारे ब्रांड के नाम से सर्व हो रहा है तो वो हमारे अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से उसका टेस्ट भी मेंटेन होना चाहिए, क्वालिटी भी मेंटेन होना चाहिए। तो इट्स आवर राइट टू गो फॉर एनी ऑडिट एंड सर्वे। कंसल्टिंग एंड कोचिंग के लिए हर तरह का कंसल्टिंग हो सकता है, मार्केटिंग से लेकर कोचिंग में आप कहिए कि ट्रेनिंग तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया और मार्केटिंग आपकी पर्टिकुलर एरिया में किस प्रकार की मार्केटिंग ज़्यादा ज़रूरी है, डिस्काउंट किस तरह से होने चाहिए, पैम्फलेट्स बांटने चाहिए नहीं बांटने चाहिए, हर तरह का गाइडेंस और कोचिंग हम आपको देंगे। सप्लाई चेन गाइडेंस में आता है मटेरियल सप्लाई करना, जो कि मटेरियल रॉ मटेरियल की बात कर रही है वो भी हम लोग पूरी गाइडेंस आपको देते हैं। रेट और कौन सा रेट आपको सही है क्या नहीं है वो भी सेट करके मिलेगा। इनफैक्ट ये फोको मॉडल के लिए आप जाते हो तो वो आपको उसमें तो आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है अगर आप फोको के लिए जाओगे तो। मार्केटिंग का तो पूरा हम लोग की तरफ से रहेगा आपको गाइडेंस। ओपनिंग के लिए हम लोग आपसे लेते हैं लगभग 60 से 70 दिन क्योंकि 45 डेज एटलीस्ट कम अज कम लगने वाले होते हैं, पर फॉर सेफर साइड हम 60 to 75 डेज आपसे मांग लेते हैं क्योंकि जरूरी है। एक तो ट्रेनिंग के लिए ही 30 डेज होते हैं, आखिरी वाले 30 दिनों में आपके स्टाफ का ट्रेनिंग होता है, बाकी सेटअप इंटीरियर सारी चीज़ें आपके और मेरे हिसाब से अगर होनी है तो थोड़ा टाइम उसमें जाता है तो लगभग 1.5 से 2 महीने का टाइम तो कंपलसरी लग ही जाता है। मैंने आपको कहा क्लाउड किचन 4.8 लाख से स्टार्ट हो जाता है जो कि प्योर वेज वाला है। क्लाउड किचन मीन्स आपको पता ही होगा आजकल स्विगी जोमैटो का बहुत ज़्यादा चलन है, लोग ऑनलाइन ऑर्डर करना प्रीफर करते हैं, घर बैठे ऑर्डर करना प्रीफर करते हैं, बाहर भीड़ में जाने से अच्छा कि घर बैठे मैं अपना खाना खा सकूँ बिना किसी दिक्कत के। तो उसके लिए क्लाउड किचन बहुत अच्छी सिस्टम है और अगर आप चाहें तो उसको टेक अवे वाला भी किल दे सकते हो, उसको आप चाहो तो होम डिलीवरी के लिए भी आपको आउटलेट फेमस करा सकते हो। तो सारे ही आपको की फैक्टर हम लोग आपके आउटलेट में एड ऑन करके देंगे। क्लाउड किचन में कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप काफ़ी अच्छा गेन कर सकते हो। आपको खुद की भी डिलीवरी कैसे स्टार्ट करनी है वो भी हम लोग उसमें देते हैं। साथ साथ ऑप्शंस में फ्लेक्सिबिलिटी में मैंने आपको पहले भी कहा कि इवन मोर देन मेन्यू में आपको ऐड करके दे सकती हूँ कोई पर्टिकुलर मेन्यू के लिए आप चाहो, क्योंकि लास्ट वीक तो मुझे इसके लिए भी पूछा था लोगों ने कि हमें बर्गर ऐड करके मिलेगा क्या, ये करके मिलेगा क्या, तो उसके लिए भी हम लोग काफ़ी फ्लेक्सिबल है क्योंकि किसी पर्टिकुलर एरिया में ऐसा होता है कि वहाँ वैसा क्राउड है, कॉलेज क्राउड बहुत ज़्यादा है मेरे यहाँ पर, तो मुझे एक पर्टिकुलर कोई एक हाथ दो चीज़ ऐड करके दीजिए तो वी आर ओपन फॉर इट, ये मैं बार बार कह रही हूँ। साथ साथ प्योर वेज के लिए भी आप जा सकते हो, वेज नॉन वेज के लिए भी आप जा सकते हो, फोको के लिए भी आप जा सकते हो और आप फोको के लिए भी जा सकते हो। फोको में मतलब आप खुद ही ऑपरेट कीजिए, हमारे यहाँ से बाकी स्पाइसेस वगैरह आएंगे, ट्रेनिंग वगैरह हम लोग देंगे और फोको में हम लोगों का रहेगा 80-20 शेयरिंग रहता है। फोको में 80-20 मीन्स 80% ऑफ प्रॉफिट विल बी योर्स एंड 20% ऑफ प्रॉफिट विल बी ours एज मैनेजमेंट चार्जेस। प्रॉफिट वी कैन कॉल इट एज योर एक्सपेंडिचर राइट, लाइक रेंट एंड वॉट एवर सैलरी एंड फूड कॉस्ट हो जाने के बाद आपके सेल में से जो बचता है उसे आप प्रॉफिट कहेंगे। प्रॉफिट में से 80% आपका होगा, 20% मेरा होगा। इट्स ऑल अबाउट माई आउटलेट एंड एवरीथिंग।
आप में से किसी को कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। पोको के लिए मैंने आपको बताना चाहा कि पोको इज समथिंग, आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आप अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे और आपके यहाँ पर मतलब जो भी बेसिक नीड्स है वो सारी की सारी होनी चाहिए, जैसे लाइट वगैरह वगैरह सब आपको देना पड़ेगा। उसके बाद सेटअप से लेकर सब कुछ हम लोगों का हेडेक है और आउटलेट संभालना भी हमारा हेडेक है, तो उसका जो भी प्रॉफिट बनता है आउटलेट का उसका शेयरिंग 80-20 होगा। एंड प्रॉफिट मीन्स आपका रेंट, आपके सैलरी, आपके फूड कॉस्ट जाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसमें शेयरिंग की बात कर रही हूँ, आपके टर्नओवर की शेयरिंग की बात नहीं कर रही हूँ। जब तक आप प्रॉफिट में नहीं चले जाते आपसे ब्रांड कुछ नहीं मांगेगा, जब तक आप प्रॉफिट अर्न करने नहीं लग जाते आपको ब्रांड को कुछ भी नहीं देना है। हाँ, आपको एक्सपेंसेस उठाने पड़ेंगे, वो आपको ट्रांसपेरेंटली शेयर हो जाते। हेलो, ये कोई हेलो, यस मैम, बोलिए, कोई पूछना चाहता है, शायद हैंड रेस कर रहा है। Dear participants, please raise your hand after this presentation finalization. इस वेबिनार के प्रेजेंटेशन के बाद में आप प्लीज अपने रेज हैंड कर सकते हैं और हर्षदा जी से डिस्कशन कर सकते हैं। यस हर्षदा जी, तब तक आप प्लीज कंटिन्यू करिए अपने प्रेजेंटेशन। खत्म ही हो गया है सर जी, मैंने मेरा वही कहना है कि फोको अगर किसी को समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार पूछ सकते हैं। फोको मीन्स आपको सिर्फ रॉयल्टी शेयर करनी होगी, टर्नओवर पे आपका 3-5% जो भी आपके मॉडल के हिसाब से रॉयल्टी होगा वो शेयर करना होगा, और फोको में आपको प्रॉफिट शेयर करना है, हम सारे मैनेजमेंट हमारी तरफ से किया जाएगा, और उसके एक्सपेंसेस जैसे कि रेंट और सैलरी आप लोग मतलब जो इन्वेस्टर है उसे बेयर करनी होगी। अगर आप फिर से एक बार डिटेल में